जी बड़ा मजेदार सा बड़ा खस्ता सा पराठा और गेहूं के साथ के हमारा आज का नाश्ता, जो कि झटपट ही मेरा इस तरह प्रोग्राम बना है कि मैं ऐसे कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ समझ नहीं थी आ रही नाश्ते में। सुबह सुबह कुछ करने को दिल नहीं था कर रहा कि क्या नाश्ता आज करें। तो अस्सलाम वालेकुम, किचन कर्नल एंड व्लॉग्स में वेलकम। तो आए बनाते हैं इंस्टेंट मेथी पराठा। रोटी का पेड़ा लिया, प्रॉपर पेड़ा बनाने की जरूरत को नहीं, मैंने ऐसे ही इसको बस ऐसे कर लिया। थोड़ा सा इसको बस टेढ़ा मेढ़ा भी हो जाएगा तो खैर ही है, क्योंकि हमने इसको दोबारा से रोटी के लिए रेडी करना है। पेड़े को थोड़ा सा आटा मिल गया सबको, हाथ की मदद से मैंने इसको अच्छी तरह फैला लिया। उसके बाद एक चुटकी नमक, जितना अंदाजा हो जाता है जितना का आपको चाहिए ना एक रोटी के लिए नमक, और ये एक चुटका बड़ा सारा, चुटकी नहीं चुटका बड़ा सारा मेथी, ये ड्राई मेथी है जो कि मैंने घर खुद खुश की हुई है, बल्कि सही कुछ है तो ये मेरी अम्मी जान ने मुझे भेजी है। अच्छा जी, ये हमने ज़्यादा सारी मेथी डाल दी। उसके बाद ये एक चुटका भर के ये चिली फ्लेक्स, ये हो गया। उसके बाद ये जीरा पाउडर, ये चुटकी थोड़ी सारी बड़ी चुटकी डालें, और इसके बाद ये धनिया पाउडर, ये भी एक चुटकी। ये सब कुछ इसमें चला गया। अब हम इसको ऐसे करके फोल्ड करेंगे, फिर करेंगे। हाँ जी, ये हो गया। अब हम इस पर लगाएंगे थोड़ा सा घी, आप जो चाहे लगा सकते हैं, आप भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इधर प्योर घी यूज कर रही हूँ। इसको हम ऐसे करते हैं, उसमें पेड़ा सा इसका बनाएंगे। हाँ जी, हमारा अच्छा सा पेड़ा बन गया। अब इसको हम बेलन से बेल लेंगे। बिस्मिल्लाह, ये हमारा बड़ा मजेदार सा पराठा बनेगा इंशाल्लाह। जब कभी नहीं समझ आ रही हो कि क्या करना है नाश्ते में, कुछ करने को दिल नहीं कर रहा, तो यकीन करें ये इतना मजे का पराठा है ना, आप खा के तो बड़ा फ्रेश फील करेंगे अपने आप को, जो कि नाश्ता करने को दिल नहीं था कर रहा। इसके साथ आप लस्सी बनाएं, चाय का कप बनाएं, दही लें। इसमें मैंने लगाया घी, इसको हल्की आंच पे बनाएंगे, पकाएंगे। थोड़ा सा मैं इधर भी लगाऊंगी, लगा मैं थोड़ा थोड़े रही, बहुत ज्यादा नहीं। बस वो थोड़ा सारा चूल्हा तेज एक दफा हो गया था, लेकिन आप इससे भी स्लो रखें, जो आज तक पराठा बने उसका ज्यादा मजा आता है। और अब मैंने चूल्हा कर दिया बंद, क्योंकि ये जो है तवा काफ़ी गर्म है, थोड़ा सारा रह गया पकने वाला, तो ये इसी गर्म तवे पर पक जाएगा, थोड़ा सा क्रिस्पी क्रिस्पी सा होगा। और ये लेयर्स भी इसमें आई हैं स्पाइसेस डाल के, जो हमने पराठा बनाया बहुत मज़े का बना है और बड़ा क्रिस्पी सा। ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, चक्की का आटा मैंने लिया है, सॉरी जीरा भी होगा, धनिया पाउडर भी होगा, नमक, चिली फ्लेक्स और मेथी, तो सारी चीज़ें घर में तकरीबन मौजूद होती हैं। आप निकालें अपने फ्रिज में से आटा और सारी ये स्पाइसेस डाल के तो पराठा बनाएं और नाश्ते में एंजॉय करें। ये देखिए जी, बड़ा मज़ेदार सा बड़ा खस्ता सा पराठा और गेहूं के साथ के हमारा आज का नाश्ता, जो कि झटपट ही मेरा इस तरह प्रोग्राम बना है कि मैं ऐसे कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ समझ नहीं थी आ रही नाश्ते में। सुबह सुबह कुछ करने को दिल नहीं था कर रहा कि क्या नाश्ता आज करें। तो मौसम भी रात बारिश हुई थी तो अच्छा सा है, तो मैंने फिर ये जेन में आया कि मैं ऐसे रोटी बनाती हूँ, और यकीन करें ये बहुत मज़े की रोटी है। साथ मैंने बनाया है ग्रीन चटनी के साथ रायता, साथ मैंने लस्सी बनाई है, और इसके बाद मैं पीऊँगी साथ चाय। तो ये तीन लोग थे हम, तो तीन पराठे मैंने बनाए हैं।
तो ये था जी आज का हमारा इंस्टेंट मेथी पराठा। पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।